जरा जरा माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। आज हमारे जलाल बाबा नगर में जो पार्टी में पूरे नौजवान बच्चे महिलाएं पूरे पार्टी में मिले, बहुत खुशी की बात है। टीआरएस आने के बाद आज अपने तेलंगाना में डेवलपमेंट कैसा रहा आप लोगों को मालूम है। यहाँ के मीटिंग में हमारे गौस भाई, मुर्तुजा भाई, सलीम भाई, हमारे महिलाएं पूरे बस्ती के पार्टी में बहुत खुशी से मिले, बहुत खुशी की बात है। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, तेलंगाना नहीं आया सब कैसा था, तेलंगाना आने के बाद कैसा डेवलप हुआ एक बार सोचना चाहिए। उस वजह से हमारे मुख्यमंत्री साहब एक ही बोलते, डेवलपमेंट होना चाहिए पब्लिक को, डेवलपमेंट नहीं है तो अपन तेलंगाना ला लेके क्या फ़ायदा करते। हमारे केटीआर साहब भी वही बोलते, पब्लिक में रह के पब्लिक में क्या तकलीफ है, वो तकलीफ अपन करे तो जब अपने को पब्लिक मानती बोलते। उस वजह से सही बात है, यहाँ आने के देखने के बाद ये पूरा कम से कम 40 एकड़ लैंड में पूरे घर बने हुए, सोप बने हुए, करंट है, सोप है, मगर उनको मोरी ड्रेनेज डालने के वास्ते कुछ जरा मुश्किल हो रहा है। उनको पट्टा भी दिलाने का कोशिश करो, महाराष्ट्र वाले हमारे बोल रहे हैं। उस वजह से मैं महाराष्ट्र वालों से, हमारे मुख्यमंत्री साहब के पूरी इसकी फाइल है, फाइल दिया हूँ मैं आप लोग देखे। परसों शिक्षा में भी रेगुलेशन करें, उनको कम से कम 21 एकड़ 22 एकड़ कुछ रेगुलेशन करें। ये भी हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र लैंड देना क्या देना बात करके, हमारे मुख्यमंत्री साहब से बात करके, केसीआर साहब ने आप लोगों को मालूम है गरीबों का देवता होना, गरीबों को जा क्या देना, गरीबों को कैसा करना उनको मालूम है। हमारे केटीआर साहब भी नौजवान लड़का, उनको भी कैसा बोल के समझा के हमारे केटीआर साहब से ये पट्टे भी दिलाने का कोशिश करूँगा। पट्टे जरा लेट से होंगे, मैं पट्टे से लेट के होंगे, पट्टे तो दिलाऊँगा। ये मोरी डेनिसा तो ये रोड का तो पहले इंतजाम करके करूँगा। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ के नौजवान बच्चों को, हमारे महिला बहनों को, सबको, यहाँ के बड़े लोगों को भी, तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, उनके संगत में रह के आप काम कर लो, हमेशा काम कर लेते हैं। मेरे बाद आप लोगों में, आप लोगों की दुआ से 3 बार MLA मैं जीता, 4th बार भी जीता हूँ, तो छोटे छोटे कमा कराना है मेरे को। मैं करा के आप लोगों के 100% मैं 15-16 तारीख को पूरे ऑफिसर में बुला के कैसा करना है इसको करके, ये जो जो काम है बोलूँगा आप लोग। एक ही बात, यहाँ के हमारे पूरे नौजवान बच्चे भी पार्टी कितना साथ दे, बहुत खुशी हुआ है। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब एक ही बोलते, पब्लिक अच्छे रहे तो अपन अच्छे रहे सरकार। अपन तेलंगाना कई को ला लिए, लड़के ला लिए तेलंगाना, आज नौजवान पूरे बच्चे, पूरे नौजवान के बच्चे पूरे अच्छा काम कर लेगा अच्छे से। आज लैंड ऑर्डर देख रहे हैं अपन, हैदराबाद में कभी लैंड ऑर्डर नहीं है, पूरे हिंदू मुसलमान हर बार हर खुम के पूरे एक भाई बंद के सरकार फिर रही, वो हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल लाए। आज हम भी यहाँ बोले, जो जो काम हमारे बहना बोले वो पूरे काम अभी मैं कराने के सोच के करूँगा। थैंक यू।